नमस्कार, स्वागत है आपका मुंबई महानगर में। मैं हूं आपके साथ रूबी। गदर 2 और ओह माय गॉड 2 ने एक बार फिर सिनेमा घरों में की रौनक लौटा दी है। जहां एक और सनी देओल की गदर 2 ने सुनामी मचाई हुई है, तो अक्षय कुमार की ओह माय गॉड 2 भी बढ़िया कलेक्शन कर रही है। इस बीच हम आपके लिए लाए हैं बॉक्स ऑफिस का वो खास रिकॉर्ड जिसे ना तो अब तक शाहरुख खान तोड़ पाए हैं और ना ही अक्षय कुमार और ना ही आमिर खान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की उस एटीएम मशीन की जिसने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा 100 करोड़ी फिल्में दी हैं। जी, अब तक ऋतिक रोशन, अजय देवगन, अक्षय कुमार, आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान जैसे तमाम बॉलीवुड स्टार्स हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कई बार शतक लगाया है। कुछ की फिल्में आसानी से ही 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई हैं, तो कुछ को पसीना बहाना पड़ा। लेकिन एक सुपरस्टार ऐसा है जिसने पिछले 13 सालों में हर बार शतक ही जड़ा है। चलिए बताते हैं कि आखिर कौन है वो तुर्रम खान। तो बॉक्स ऑफिस की वो एटीएम मशीन कोई और नहीं बल्कि बजरंगी भाईजान यानी सलमान खान है। जी हाँ, वो सलमान खान ही हैं जिनकी सबसे ज़्यादा फिल्में 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई हैं। पिछले 13 सालों में उनकी हर फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा छूने में कामयाब हुई है। इस तरह सलमान की कुल 16 फिल्में हैं जो 100 करोड़ के रुपए कमाने में कामयाब हो पाई हैं। तो चलिए जानते हैं कि सलमान खान की उन फिल्मों के नाम जो 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दबंग की। जी, जिसने 138 करोड़ 88 लाख की कमाई की है। फिर आती है रेडी, जिसका टोटल कलेक्शन था 119 करोड़ 78 लाख रुपये। बॉडीगार्ड, जिसने 234 करोड़ 40 लाख रुपये की कमाई की थी। इसके बाद एक था टाइगर, जो 200 करोड़ का आंकड़ा छूने में महज 1 करोड़ से मात खा गई थी। जी, इसका कुल कलेक्शन 198 करोड़ 78 लाख था। और अब बात करेंगे दबंग 2 की। इस मूवी ने 155 करोड़ की कमाई की थी। जय हो, जिसने 116 करोड़ का कलेक्शन किया था। वही किक, 231 करोड़ 85 लाख रुपए इसने कमाए थे। और अब बात करेंगे बजरंगी भाईजान की, जिसने 320 करोड़ 34 लाख का बिजनेस कर धमाल मचाया था। इसके बाद आती है प्रेम रत्न धन पायो, जिसने 210 करोड़ 16 लाख की कमाई की थी। वहीं बात करें सुल्तान की, तो इस लिस्ट में सुल्तान ने पूरे 300 करोड़ के नोट छापे थे। ट्यूबलाइट, हालांकि ट्यूबलाइट फ्यूज जरूर हुई थी, लेकिन इसने 114 करोड़ का कलेक्शन किया था। टाइगर जिंदा है, जिसने भाईजान की हर मूवी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 339 करोड़ 16 लाख की कमाई की थी। वहीं रेस 3 भी 200 करोड़ के साथ इस रेस में बरकरार रही। भारत, जिसने 211 करोड़ 7 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। दबंग 3, जी दबंग 3 ने 103 करोड़ का बिजनेस किया था। और सबसे आखिर में बारी आती है किसी का भाई किसी की जान की, जिसने 104 करोड़ 2 लाख रुपए के नोट छापे थे। वैसे बॉक्स ऑफिस पर पहली बार 100 करोड़ का रिकॉर्ड बनाने वाले सुपरस्टार आमिर खान थे, जिनकी गजनी ने 100 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। उन्होंने ही दूसरे सितारों के लिए रास्ता बनाया था और फिर तो एक के बाद एक फिल्में इस क्लब में शामिल होती गईं। गजनी का बजट 65 करोड़ था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 157 करोड़ 85 लाख रुपए का भारत में कलेक्शन किया था। तो ये थी दबंग खान की टॉप 16 मूवीज जिसने शतक तो जड़ा ही है, वहीं कुछ ने तो डबल और ट्रिपल सेंचुरी भी मारी। तो हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही दिलचस्प जानकारियों के लिए देखते रहिए मुंबई महानगर।